अल्लाह के फैसले में इंसान मुदाखलत नहीं कर सकता। हमने तो वो वक्त भी देखा है कि जब इब्राहिम फैमिली में एक रौनक मेला लगा हुआ होता था, सब फ्रेंड्स सब रिश्तेदार इकट्ठे हैं, चाहे वो ईद हो चाहे कोई और खास त्योहार हो, लेकिन आज वही फैमिली रो रही है और बहुत ज्यादा सैड है क्योंकि शुएब इब्राहिम के जो दोस्त दुनिया से गए हैं। आगे चलकर वीडियो में आपको वो नजर आएंगे कि कितना अच्छा वक्त उन्होंने स्पेंड किया, लेकिन जब शुएब को उनकी बुरी खबर मिली, उनकी दुनिया से जाने की खबर मिली, तो शुएब का तो हॉस्पिटल में ही रो रो कर बहुत बुरा हाल था। और साथ आपको ये भी पता चले कि इस वक्त इब्राहिम फैमिली कोई भी बात शेयर करने से गुरेज है, क्योंकि अभी सिर्फ यही दुआ है कि पापा के लिए भी दुआ की जाए, क्योंकि पापा की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके साथ साथ इब्राहिम फैमिली भी बहुत बड़े सदमे में है। तो बस ऐसा ही होता है, कभी खुशियाँ होती हैं कभी गम आपकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन जब आपका प्यारा आपसे दूर चला जाता है, दुनिया से चला जाता है, वो तो दोबारा लौट कर नहीं आता, लेकिन बस उसकी यादें रह जाती हैं। और मुसलमानों के लिए तो बेहतरीन ये है उसको साले सवाब करने का, कुरान पाक पढ़ कर उसको हदिया किया जाए, कुरान खानी करके उसको हदिया किया जाए। ऐसे ही पापा को भी दुआ में याद रखिएगा।